वेलकम बैक नाजरीन, एक भेरों बीहर तक वेलकम था क्यों ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में असा गड अज गेस्ट आइन। अच्छा ख्वाजा साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो दौर रहा पाकिस्तान का, जो है तकमील पाकिस्तान का, और अभी 14 अगस्त भी नज़दीक है, अगर ईद के पुरमुरसत मौके पर अगर हम आपसे वो भी पूछना चाहें कि क्या वो तासुरात थे जब हम पाकिस्तान की जो है वो तकमील कर रहे थे और अब 65th इंडिपेंडेंस डे अब हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं अगर ईद के पुरमुरसत मौके पर अगर हम कुछ ये बाइट्स भी जो है अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें तो क्या कुछ क्या मेमोरीज शेयर करेंगे आप हमसे? मैं ख़ास तौर पर कहूँगा कि जो तहरीक पाकिस्तान में जिन रहनुमाओं ने हिस्सा लिया था वो बड़े खुलूस और नेक नीयति से हिस्सा लिया था। उनका एक ख्वाब, एक विजन था पाकिस्तान को बनाने का, और मैं समझता हूँ उन ज़माने के जितने लीडरान हैं, अगर आप तारीख का औराक पलट के देखें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, ख्वाजा नाजमुद्दीन, लियाकत अली खान, सिंध में भी जेम सैयद, अयूब खोड़ो, इन्होंने जो तहरीक में हिस्सा लिया था पाकिस्तान पढ़ने के बाद, इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने से कुछ बनाया नहीं, पाकिस्तान की तामीर के लिए हिस्सा लिया। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1954 के बाद जब मार्शल लॉ आ गया है, उसके बाद दूसरी जो क़यादतें आई हैं उनका जो अंदाज़ सियासत तब्दील हो गया है। उन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को ख़जाना नहीं समझा, अमानत पे खयानत की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये सूरत हाल है। वो जज्बे जिसके तहत हमने पाकिस्तान हासिल किया था, उस जज्बे को यकजा करने की ज़रूरत है। उसी जज्बे से अगर हम काम करें, ख़ास तौर पर जो तफरका है सिंधी, बलोची, पठान, मुहाजिर, इसको ख़त्म करके हमसे पाकिस्तानी फिक्र को अगर नौजवान लोगों पे हम इंडोक्ट्रिनेट कर दें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान दोबारा वो पाकिस्तान बन सकता है जिसका ख्वाब सिंधियों, पंजाबियों, बलूचियों ने मिलकर देखा था। हमने एक ही ख्वाब देखा था, हमने कोई मुख्तलिफ ख्वाब नहीं देखा था। हम एक इकट्ठे रहने के लिए, बल्कि हिंदुस्तान में हम अलहदगी इख्तियार नहीं करना चाह रहे थे। कायद अजम ने 14 नकात पेश किया था हिंदुओं के साथ रहने के लिए, लेकिन जब उनके साथ करीब से कायद अजम को कहा जाता था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो पाकिस्तान को अलहदा नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब हालात के तहत मजबूर होकर अलहदा कर लिए थे तो हम सब ने मिलकर एक ख्वाब जो देखा था उस ख्वाब की तकमील नहीं हुई, जिसकी वजह से हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं तहरीक तकमील पाकिस्तान। वो ख्वाहिशात, वो उमंग, वो सोच जो उन दौरान हमारे और आपके आबा अजदाद में था, उसकी तकमील के लिए कोशिश हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ मौजूदा नस्ल, ख़ासतौर पर नौजवान नवासल जो है, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान जिसके हम ख्वाब हमारे आबा अजदाद ने देखा था उसकी तकमील हो। लिहाजा हम चारों सूबे में एक तब्दीली देख रहा हूँ, नौजवान में एक तड़प देख रहा हूँ कि वो चाहते हैं स्टेटस को जो है वो तब्दील हो। हमेशा हमारे चाचा, मामा, चाचा आजाद इकतदार में थोड़े अरसे तक रहते फिर चले जाते, लेकिन कोई तब्दीली नहीं देखते। अब गाँव में, गलियों में एक तब्दीली आनी चाहिए, तालीम में, तालीमी मैार में तब्दीली आना चाहिए, ख़ासतौर पर नौजवान नसल सिंध यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनको मुलाजमत नहीं मिलती। वजह है कि तालीमी मैार बहुत पस्त है। सिंध मेडिकल कॉलेज से जब कोई डॉक्टर होकर निकलता है उसको बाहर दाखिला नहीं मिलती, वजह उसकी नहीं है, वजह वो उसातिज़ा नहीं है जो उनको तालीम मुहैया फराम करे। तो हम इस तरह मुख्तलिफ जामिया में ऐसे आला उसातिज़ा तायुन करें कि ताकि नौजवान नसल की सही तालीम हो और उनकी तालीम में मैार बुलंद हो और वो दूसरे वर्ल्ड में कंपटीशन में हिस्सा ले सके। जिस तरह कंप्यूटर में आपने देखा, कंप्यूटर्स में हमारे एक ख़ास टॉपिक उमंग है, हमारे नौजवान, हर नौजवान कंप्यूटर सीखने का शौक़ रखता है और हम कंप्यूटर के लेवल में बहुत बुलंद हो गए। हम इंडिया से कंपटीशन कर रहे हैं, हम मलेशिया से कंपटीशन कर रहे हैं, इसी तरह तालीमी शोबे में भी जो है ना हर हुनर पे हमें ऐसे साथ को तैयार करना चाहिए जो हमारे नौजवान नसल को, उसके विजन को, उसके तालीम मैार को बुलंद करे। और मैं समझता हूँ कि यही हमारे तरक्की का रास्ता है। ख्वाजा साहब जी, वहाँ गालबोल बुध पे यकीन ईद जो मुसरत मौको है वहाँ भी इंजॉय कर रहा हूँ असा धरती से प्लेटफॉर्म था ये बिल्कुल शक्कर साहब का मुझे यही सवाल है शक्कर साहब पेरी जी ईदू हाने जी ईद में फर्क है हाने जी परेशानी या जो हालात आन पाकिस्तान जा पेरी जो ईदू जी होंगी हुई उ तमाम माना इजीली ईदू मतलब खुशियों घट भी दिसण अचन इजीली ईदू
छो कि सोच न हुई कि ही केर तू मां तू मां हाणे ही वधी वई आहे कि तू केर तू मां मां ही ही जीअं साईं ॻाल्हि कई हीअं कि असां पाण पंहिंजे पाण खे तबकनि में विराए छॾियो आहे त पहिरियों हिकिड़ो ई तबिको हूंदो हुयो मुसलमान ईद नमाज़ पढ़ी निकिरंदो आहे कि सभु घर में था हींअर वाकई में असां एतिरा भटिजी विया आहियूं कि निकिरण खां पोइ असां चवंदो असां पंहिंजे सां वञी मिलूं लेकिन हर क़ौम पंहिंजी आहे जेको बि हुजे इन करे इहो फ़र्क़ु अची वियो आहे जीअं जीअं अवेयरनेस पैदा थी ऐं सियासत वधी वई आहे छो कि सियासत मुंहिंजे ख़्याल में मां नथो सम्झां कि सुठी काई थिए थी मां सम्झां थो सियासत उहा सुठी आहे जेका सभिनि खे मिलाए ठीकु आहे जीअं साईं ॻाल्हि कई कि जेतिरी बि क़ौम आहिनि सभु हिकु जेसीं ताईं इहा शइ न थींदी तेसीं ताईं वरी उहो पुराणी ईंदी न ईंदी असां परे थींदा वेंदासीं मतलबु दिलनि मां प्यार निकिरी वियो आहे पाकिस्तानी ऐं मुस्लमान परे थी विया आहिनि सभु अलॻि अलॻि नाज़रीन स्पेशल ट्रांसमिशन असांजी जारी आहे उहे बिल्कुलु उन्हनि सां मुखातिबु थियणु खपे ऐं नाज़रीन हिन वक़्तु ॾिसी रहिया हूंदा यकीनन के नाज़रीन हिन वक़्तु मानी जी तयारी कंदा हूंदा यकीनन गेस्ट जॾहिं ईंदा आहिनि घर में तव्हां बि अंदाज़ो लॻाए था सघो जॾहिं बिल्कुलु घर में ताम वाम बि पचाइबा आहिनि ऐं तामनि सां अगरि ॻाल्हि कजे त तव्हां जेको आहे न अॼु तयारी कीअं कई आहे घर में छा मतिलबु माहौल आहे घर में माशाल्लाह रौनकूं ई रौनकूं आहिनि मुंहिंजे घर वारनि जो अचण वारनि जो ॾींहुं आहे बिल्कुलु ईद जे ॾींहुं त मिठो पचंदो आहे हर घर में यूजली मिठो ई पचंदो आहे असांजे घर में बि मिठो पचंदो आहे ईद नमाज़ खां पोइ मर्द ईंदा आहिनि मिठो खाईंदा आहिनि सभिनि सां मिलंदा आहिनि ऐं पोइ ख़ानदान में जेके वॾा आहिनि उन सां मिलणु वेंदा आहिनि ईद ईअं ई मल्हाइबी आहे वॾनि जी दुआउनि सां त असांजी बि ईद ईअं ई मनंदी आहे अॼु ईद असांजी सभिनी आवाम सां आहे बिल्कुलु असां अॼु इहे ई कोशिशि करियूं पिया त धरती टीवी जो प्लेटफॉर्म था जेके बि असांजे व्यूअर्स आहिनि उन्हनि सां बि गॾु असां ईद जी ख़ुशियुनि में जेको आहिनि शरीक थियूं ऐं गेस्ट बि असां सां मौजूदु आहिनि ख्वाजे साहिब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो अॻिते वधायूं ख्वाजे साहिबु अगरि हम आते हैं कि आपके करियर पे अगरि हम फोकस करें तो आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया और आपके रोल मॉडल कौन थे सही मायने में मैंने तो सेंट पैट्रिक स्कूल से मैट्रिक पोलूशन किया था ग्रेजुएशन भी वहीं से फिर जामिया कराची पे मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पे भी किया फिर लॉ किया उसके बाद मैं तजारत में आ गया है मेरी गारमेंट फैक्ट्री है उसको मैं चला रहा हूँ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और रोल मॉडल जाहिर बात है मेरे रोल मॉडल कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना है जो उनकी शख्सियत को जब मैं देखता हूँ हर पहलू से मैंने उनको कामयाब पाता हूँ चाहे एक मुकर्रर हो चाहे अमली सियासतदान हो वो एक ऐसे सियासतदान जो कभी बिके नहीं और उनको खरीदने की बड़ी कोशिश की गई थी बल्कि गांधी ने भी कहा था कि अगर कायद को हमें आप कांग्रेस पे शामिल हो जाए और पूरी कांग्रेस लीडरशिप मुस्लिम लीग में चले जाए तो हम तकसीम हिंदुस्तान को रोक सकता हूँ तो इससे ज़ाहिर हो सकता कि उनकी अहलियत कितनी थी और वो जब बैरिस्टर थे सबसे ज़्यादा फीस वो लेते थे उनकी वजह से उनकी मांग बहुत थी तो लिहाजा वो हमारे एक रोल मॉडल थे और एक ऑनेस्ट इंसान थे जिन्होंने पैसे की अमानत का बड़ा ख्याल रखा इस लिहाज से वो मेरे रोल मॉडल अच्छा शफका साहब अवां अगर गाल कजे त राग जी सिख्या जेको आहे उहा खां ॼाणणु चाहींदुसि राग जी सिख्या मां कॾहिं वरिती तव्हांखे कॾहिं शौक़ु थियो त तव्हां इन फील्ड में जेको आहे उहो अॻिते वधो मूंखे एक्चुअल असल में पंहिंजे ब्रादर खे ॾिसी करे शौक़ु पैदा थियो मुंहिंजो वॾो ब्रादर नसल दर नसल ख़ानदान में आहे मुंहिंजो वॾो ब्रादर हुबे अली माशाल्लाह पाकिस्तान जो नालो आहे बसि उनखे ॾिसी ई शौक़ु मूंखे जाॻियो लेकिन हुनजो ई हरगिज़ मक़सदु न हुयो कि मां कोई हिन फील्ड में अचां हुन जो मक़सदु कुझु ॿियो हुयो कि मां हू थियां लेकिन मां सभिनि में घर में सभिनि खां नंढो आहियां त मुंहिंजो वॾो ब्रादर जेको आहे मूंखे पंहिंजे ईअं सम्झो मुंहिंजो पीउ आहे उहो हुन मूंखे मुंहिंजो वालिद साहिबु नज़र ईंदो मूं मूंखे वालिद साहिब खे कोन ॾिठो आहे मुंहिंजे वालिद साहिब जी डेथ थी वई जॾहिं ॿिनि सालनि जो हुयुसि मूंखे सभु कुझु करणो बसि उनखे ॾिसी करे ई मूंखे शौक़ु जाॻियो कि यार केॾा पुरस्कार मिलंदा आहिनि हीअं कंदा आहिनि हू कंदा आहिनि अच्छा हुबली साहिबु ऑटोग्राफी मां चयो यार ईअं मां बि थियां अपने भाई को वो चीट किया नकल की त मां चाहियुसि की मां बसि ईअं थियां उहो कंदे कंदे पहिरियों लिकी लिकी ॻाईंदो हुयुसि लिकी लिकी ॻाईंदे ॻाईंदे पोइ आख़िर में हुन जॾहिं चयो की बाबा हाणे जो अची वियो आहे हिन फील्ड में त हाणे वञ तूं ॻाए ईअं मूंखे ॻाइण जो शौक़ु पैदा थियो ऐं मां ॻाईंदो ॻाईंदो 15 सालनि खां सिंगिंग कंदो थो अचां अलाह साईं जो गॉड गिफ्ट आहे ऐं उस्तादनि जूं दुआऊं आहिनि की उन्हनि जे ज़रिए माना अॻिते वधूं पिया अच्छा पोइ कॾहिं तव्हां ॿुधायो पिया त लिकी लिकी तव्हां सॉन्ग्स जॾहिं ॻाईंदा हुयो या परफॉर्म कंदा हुओ त तॾहिं कुझु ईअं थियो त कॾहिं तव्हांखे तव्हांजे ब्रदर जेको आहे न उहो पकड़ियो हुजे त भई जेको सखर में जॾहिं आउं त राति जो हिकिड़ो शादी जो प्रोग्राम हुयो त उन में मूंखे
बगैर पैसन में हलोस गायण के लिए शौक रात तकरीबन बी बी बजे तीन भा मुझे इंतजार पे कर कि बी बजे तीन घर का बहर किथे निकतो बहर मुख्य गोलने के लिए गोल्हे गोल्हे उन जगह से पुगो और गाईदे गाईदे अद गानों छे स्टेज लिखी वियस खबर पैस कि ये मुख्य वी खैर आखिर औलाद से पी माँ केतरी जिद कह चवन कि बाबा ठीक है हाँ तू करें पे तो कर फोन जी इजाजत दिनी तो आऊँ खुली कर यो काम माना कर बुदो ना गानो ईद है हाँ असान आवाम भी बिल्कुल नाजरीन ता भी इंतजार कंदा हों शफकत साहब के आवाज में गानों बुदन के लिए अचो तो बुद साहब हाँ कड़ो गानों बुधाई मां अमा के पहेजो चैनल जो करो सिंधी में जो गानों तमाम हिट थेल हो जी तो वो गानों ईद जे हिसाब से ही समझो उन के लेकिन गानों तमाम मुझे हिट थेला इंशाल्लाह वो ईद जे हिसाब से जो व्यूअर्स लिसन ता उनन के वणदो जरूर असान जो प्रोग्राम अने हिट थी न है बिल्कुल तो खा विछड़ी बंजन जो दुख ना है तो सा प्यार करण जो दुख आहे स्पेशली डेडिकेट असाइन सा वाली बात है तो सा विछड़ी बंजन जो दुख ना है तो सा प्यार करण जो दुख आहे तो सा विछड़ी बंजन जो दुख ना है तो सा प्यार करण जो दुख आहे ओ तुझे खातिर मुँह घर बार छड़ियो तुझे लाए मुही संसार छड़ियो मुखे उजड़ी बंजन जो दुख ना है तो सा प्यार करण जो दुख आहे तो खा विछड़ी बंजन जो दुख ना है तो सा प्यार करण जो दुख आहे ओ मुझी आहे दुआ खुश हूं दे सदा हर गम का परे तोखे रख दो खुदा मुझी आहे दुआ खुश हूं दे सदा हर गम का परे तोखे रख दो खुदा करे वायदा फिरण जो दुख ना है तो सा प्यार करण जो दुख आए हो तो सा विछड़ी हाँ तो सा विछड़ी बंजन जो दुख ना है तो सा प्यार करण जो दुख आए शफ़क़त साहब एकड़ो अगर ता माइंड ना करो ता पर्सनल सवाल करना चाहिना सी त ता पर्सनल एड़ो ना कजो जो मान जवाब अज ता जे गानन सा ये लगे दुख दुख तो कोन ता ना ना करे ता सगो जी 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 मतलब तवा का यो पुछन चाहिना सी त मतलब गानो तवा वायदा करण जो वायदा करे ट्रण जो दुख ना है तो सा प्यार करण जो दुख है मतलब का मां भी यही नोटिस का एड़ी का शख्सियत रही है जेको मतलब ता बिल्कुल अड़ी शख्सियत रही है अलहमदुल्ला टाइम मुझी जिंदगी में भी है माशाल्लाह बस ये अल्लाह जो शुक्र है कि जैसे चाहो उनके ही हासिल कर बाकी तबर है कि मकसद इंसान जी शिराज प्रोग्राम तो जारी रहंदो नाजरीन असा ता सा गड आयो पर वक्त थियो एक मुक्तसर ब्रेक जो ता भी सही खाओ ब्रेक में जण खा असा सही खाइदासी असा ला भी बचा जी यकीन ब्रेक वठौं ता ब्रेक खा वापस अची काल बोल जी सिलसिलो जारी रखनासी